नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज बात करूंगा उत्तर प्रदेश में हुए बड़े उलटफेर की। जी हां, आपको बता दें कि उपचुनाव में भाजपा ने समाजवादी पार्टी को मात देते हुए दोनों सीटें कब्जा ली हैं। आपको बता दें कि आजम खान के गढ़ यानी रामपुर में भाजपा ने तगड़ी जीत दर्ज की है। घनश्याम लोधी जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्होंने 42,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। साथ ही आजमगढ़ की बात करें तो वहां पर दिनेश लाल यादव यानी नरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को हराते हुए 11,000 वोटों से जीत हासिल की है। आपको बता दें कि लगातार अखिलेश यादव पर सवाल पहले भी उठ रहे थे और इस हार के बाद भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि वो उपचुनाव में प्रचार में नहीं उतरे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद दोनों सीटों पर प्रचार करते हुए नजर आए थे, लेकिन अखिलेश यादव दोनों सीटों पर प्रचार करते हुए नहीं दिखे, जो सवाल उनसे आज लोगों ने पूछने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि उनके सहयोगी दलों ने साफ साफ आज मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव को अगर लोकसभा में 2024 में लोकसभा चुनाव में सीटें जीतनी है तो एसी के कमरे से बाहर उनको आना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि इस जीत के बाद योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित बीजेपी के कार्यालय पहुंचे, वहां पर उन्होंने मिठाइयां बांटी। साथ ही उन्होंने बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि ये दो सीटें जो हैं, ये इसमें जीत का जो संदेश जाता है वो 2024 के लिए जाता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 सीटें जीतने का दम रखती है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो यह अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है। और आपको बता दें कि रामपुर में हार के बाद आजम खान ने कहा है कि हमारी जीत को हार में तब्दील किया जा रहा है, यानी उन्होंने सरकार शासन प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि चुनाव जो नतीजे आए हैं उसमें सीधा सीधा अधिकारियों और सरकार ने उसको प्रभावित किया है। साथ ही धर्मेंद्र यादव ने भी प्रशासन को सरकार के हाथों कठपुतली बनी हुई बताया है। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान ने ये कहा है कि ये लोकतंत्र नहीं, ये ठोक तंत्र चल रहा है। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव समेत पूरी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। आपको भाजपा की इस जीत से क्या लगता है और अखिलेश यादव को क्या मैदान में उतरना पड़ेगा, उनको 2024 की तैयारी करने के लिए ग्राउंड पर जाना पड़ेगा, क्या आपको लगता है कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और ज्यादा अपडेट्स के लिए आप इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।